अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी है ना, हम लोग जो है पैकेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो होप्स आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, कहीं जाना हो तो पैकिंग करने में क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्या एंड टाइम पे हम क्या भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बैग ना मेरा रखा हुआ था, इसमें वो सारे सामान होते हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं, इसमें ही भर कर मैं और फिर कबट के ऊपर डाल देती हूँ, तो ये रखे रहते हैं। और जब कहीं जाना होता है तो ये सारे सामान, इसमें से जो भी चाहिए होता ले लेती हूँ, बाकी के उठा के कबर्ड में रख देती हूँ। ये अहमद का जूता देख रहे हैं, जब वो हुआ था ना, पैदा हुआ था तब उसे हदिया मिला था, यानी कि गिफ्ट मिला था, और इतना ज़्यादा बड़ा था तब से ये रखा हुआ है। तो अब ये उसको आने लगा है, मतलब है थोड़ा सा ढीला, तो मैं सोची निकाल देती हूँ, क्योंकि चीज़ें ना रखे रखे भी ख़राब हो जाती हैं। अब की है ना, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैंने कपड़ा नहीं सिलिया अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले कि मेरे पास ना कुछ कपड़े रखे थे जो मैं पहनी नहीं हूँ, तो मैंने सोची इसमें से ही ले लेती हूँ। और वो रेड वाला तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, शादियों वगैरह के लिए ठीक है। और ये है ना जो थोड़ा हल्का है, तो मैं ये निकाल लेती हूँ, और इसका दुपट्टा भी जो है हल्का है, कम्फर्टेबल है। अभी हम लोग गाँव ना सिर्फ 4 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं कुछ 5 जोड़ी कपड़ा लेकर जाऊँगी। तो जितने भी दिन के लिए जाना हो, ट्रैवल करना हो, उतने उसके हिसाब से कपड़ा हमें सिलेक्ट कर लेना है, क्या क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, निकाल कर पहले एक साइड में रख लेना है। ये मैंने कपड़ा जब खरीदी थी ना, ध्यान नहीं दी थी, इसकी कफ वाली आस्तीन थी, डिज़ाइन वाली ढीली ढीली थी, मगर इसकी आस्तीन में सुराख था, और मैंने सारे कपड़े को कटिंग कर डाली। लास्ट में हम स्लीव कट करते हैं, तो जब मैं देखी तो सुराख था, फिर मुझे इस तरह से सादी स्लीव बनानी पड़ी थी। जब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे ना देख लेना चाहिए वहीं पर, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम डिज़ाइन वगैरह कलर वगैरह चूज़ करके ले आते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि कपड़े दुपट्टे और शलवार वगैरह में सुराख वगैरह तो नहीं है। फिर घर पे आने के बाद भी नहीं पता चला, कटिंग करने के बाद मुझे पता चला, जो कि अब रिटर्न भी नहीं हो सकता था। अब हमने कपड़े निकाल कर रख लिए हैं, कितने लेकर जाने हैं कितने नहीं, अब उसे ना प्रेस कर लेना है। तो मैंने रात में ही प्रेस करवाई थी, 2 बज रहे थे कुछ, मेरे हस्बैंड जो है देवनार गए हुए थे, आए नहीं थे, तो मैं सोची रात में ही प्रेस कर लेती, और नींद ज़्यादा आ रही थी ना, तो मैं क्या की, ये इसको चालू रख के छोड़ दी और मोबाइल उठाकर थोड़ा सा बिजी हो गई। उसके बाद ना मैंने अफीफा के कपड़े जैसे ही उठाकर रखी प्रेस करने के लिए, वैसे ही अच्छा हो कि अफीफा कपड़ा गलती से हाथ से हट गया और चादर जल गई। जब हम अपना लगेज पैक करते हैं ना, तो जब इस्त्री करके कपड़े रखते हैं ना, तो वो बहुत ही कम जगह लेते हैं, और अगर हम ऐसे ही रखते हैं ना, तो थोड़े फूले हुए और सिकुड़े हुए रहते हैं, तो ज़्यादा जगह ले लेते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड का भी जो कपड़ा प्रेस कर रही थी, अचानक में ना इस्त्री ब्लास्ट हो गई, और पूरा देखे घर की लाइट भी चली गई, स्ट्रिप गिर गई ऊपर से, अब स्विच ऑन करना पड़ेगा जाके। और यहाँ पर उनके तो कुछ जो है हैंगर पर टंगे हुए थी प्रेस किए हुए, वो सब निकाल कर रख ली हूँ। और जो टॉवल वगैरह रहते हैं ना, जो हम जब कपड़ा रखते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह बचती है ना, तो उसे रोल करके ना जहाँ पे जगह बचे हैं वहाँ पर घुसेड़ देंगे ना, तो बहुत आराम से आ जाता है। तो हम 4 लोग हैं, 4 लोगों का एक बैग में मैंने लगेज पैक की हूँ, ज़्यादा बैग नहीं की हूँ। सारे कपड़े वगैरह रखने के बाद जो कपड़े जिसकी इस्त्री नहीं होती, जिसकी इस्त्री ख़राब नहीं होगी, उसे रोल करके रखे, और जो छोटी छोटी सी जगह बची होती ना, उसके अंदर इनर हमें घुसेड़ देना है। तो इस तरह से ना हमारे बैग में ना बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें देखें कितनी सारी चीज़ें हैं जो आ गई है। अब ये छोटी छोटी चीज़ हम लेकर कैसे जाएंगे, पर्स वगैरह में रखेंगे तो इधर उधर हो जाएगी, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। यहाँ पर वॉच वगैरह थी, अभी अहमद और अफीफा ने निकाल निकाल के पहन लिए हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है, और एकदम बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगता इसे, एकदम फ्लैट है, या तो इसमें रख ले जिप में, आराम से कहीं पर भी आप इसे अपने बैग में डाल सकते हो। टूट गया, कुछ नहीं, रख लें इसमें, ये देखिए बहुत ही आराम से आ जाएगा, या फिर इधर तो टूट जाने का भी डर हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसे कपड़े में ही रखती हूँ। और बच्चों की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हेयर बैंड, क्लिप वगैरह, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से चैन में डाल दी हूँ, पाउडर, ऑयल बच्चों के लिए, सारी चीज़ें। तो मैं ना अभी जैतून का तेल ले रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को राई का तेल लगाती थी, तो अभी जैतून का तेल लेके जा रही हूँ सर वगैरह में लगाने के लिए, मालिश करने के लिए। अफीफा जाने के लिए कैसे खड़ी हो आज? हाँ हाँ ली हूँ, छतरी भी लेने का है।
ये लो इसके अंदर फाइल है, रेनकोट इसको पहना दो, और फाइल है। छतरी ले लूँ क्या, छोटी वाली ले लेना, बड़ी वाली ले लेना, गाड़ी ले लूँ क्या, गाड़ी गाड़ी वहाँ पे पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है ना। इनको तो खुशी हो रही है, चाबी लेके चलो, चलो हाँ चाबी लेके। बारिश में रह रहे के गाड़ी साफ हो गई हाँ अच्छे से, नहीं साफ है वो तो नीचे का ना, ऊपर से तो साफ हो गई ना, अब टायर के पास थोड़ी ना पानी जाता होगा। ये सारी क्लिप है ना एक दिन पहले की है, शॉपिंग 2 दिन हम लोगों ने लगातार की है, और इतना अर्जेंट अर्जेंट में जाते थे, आधे घंटे में वापस आते थे क्योंकि बारिश बहुत होती थी। कार है ना, अरे कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो तुम, अब भी अब अरे लेकिन गाड़ी तो बंद है ना। हुई ये लगा के पियो, निकल जाएगा पूरा। उन्हें खोली थी तो अहमद ने पी लिया। चलो ठीक है कोई नहीं, पी लेना। बापू बेचते तो गिराते थे। तो यहाँ से ना अहमद की शॉपिंग हो गई है, अहमद के लिए जो भी कपड़े वगैरह लेने थे ले लिए हैं और जोगेश्वरी से, अब बचे अफीफा के कपड़े तो उसके लेंगे मलाड से। तो ये उसके बाद के नेक्स्ट डे की वीडियो है। फिर हम लोग गए थे अफीफा के लिए कपड़े लेने के लिए, तो बस यहाँ पर ना सारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, रात भी हो गई है काफ़ी, 9:45 कुछ हो रहे थे, तो बस यहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं ना जो अपने हैंड पर्स में ही रखनी चाहिए, जैसे कि ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पर्स में रखने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पर ये है, मैं चूड़ियाँ सोच रही हूँ अभी पहनूँ या फिर कल जाकर पहनूँ वहाँ पर, तो ये मेरी शादी की चूड़ी है, फिर सोच रही पहन लूँ नहीं पहनूँ, करते करते मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, मैंने सोची ट्राई कर लेती हूँ पहन के ही देख लेती हूँ। मैं पहन ही रही थी कड़ा टूट गया, तो अब सोच रही निकाल देती हूँ बाद में ही पहनती हूँ वहाँ पर जाने के बाद। मैं सोच रही थी ना कि चूड़ी जो चेंज करके ना चूड़े का सेट पहन लूँ, लेकिन चूड़े के मैं कुछ कड़े ना ख़राब हो गए थे शायद, थोड़े पहनी थी और थोड़ों का जो कलर डल हो गया था, तो अहमद ने खेल खाल के ना फेंक दिया। तो वही मैं सोची कि एक बार ना मैं सेट लगा के देखती हूँ कि मेटल में ये प्लास्टिक के चूड़े मैच होंगे या नहीं। तो लगा कर देखी, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोची चूड़े के वो रख देती हूँ, क्योंकि वो हर कपड़े पर हम पहन सकते हैं, मैच कर सकते हैं, नए जो नए कैसे भी कपड़े पहन के ना, तो वो सब पर सूट करता है चूड़ा जो है। और अगर कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस का कलर हम चूज़ करते हैं ना, तो वो उसी ड्रेस पर अच्छा लगता है, फिर दूसरे ड्रेस पर पहने नहीं अच्छा लगता है। सोची अगर चूड़ा डिसाइड हो जाएगा तो फिर बाकी जो मुझे ड्रेस की चूड़ियाँ नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक ड्रेस जो है मैंने ईद के लिए ली हूँ, उसके लिए चूड़ी ले ली हूँ, और ये सोची कि पहने रहूँगी। चूड़ियों के साथ मैंने ना ड्रेस की ज्वेलरीज निकाल कर रखी थी, तो वो पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है, समझ में ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखती हूँ। फिर सोच रही थी कि अब मैं ना इयररिंग जो है सोने की ले लेती हूँ, क्योंकि इयररिंग ही निकाली थी मैंने तो, और सोने की ना क्या है कान में जाती नहीं है ज़्यादा दिन तक, ये कुछ कान में मैं डालती नहीं हूँ ना, एकदम बारीक सा रहता है, तो बाद में वो सोने की इयररिंग की जो डंडी है ना थोड़ी मोटी रहती है, तो वो जाता ही नहीं है। फिर भी मैंने सोची ट्राई कर लेती हूँ एक बार। तो पैर तुम डालो पहले, आओ इधर। खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ मेरी जान। डायपर भी मैंने ना दिन के हिसाब से 2 डायपर जोड़ के, 4 दिन का है तो मैंने कुछ 10 डायपर ले ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेकर जाना बोझा है, रिटर्न लेके जाना फिर लेके आना, अगर लगेंगे तो वहाँ पर हम लोग खरीद सकते हैं। और ये एक लगेज बैग पैक हो गया है, और एक में ना ये जो पीछे थैली है इसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान वगैरह है, और एक छोटा सा बैग लिए हैं जिसमें सबकी ब्लैंकेट है। तो यहाँ पर अब सब लोग चले गए हैं, सामान वगैरह ऑटो में रख दिए हैं, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और जाने से पहले मैंने ना सारा जो घर एकदम अच्छे से क्लीन करती हूँ,
क्योंकि अगर किचन पे हम गंदा रखते हैं या ऐसे ही छोड़कर जाते हैं ना, तो वो आने तक के उसमें चींटियां लग जाएंगी या फिर कुछ उस पर जंग लगने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगी या स्मेल आने लग जाएगी। तो बर्तन वगैरह बिल्कुल भी ना सिंक पे रखना नहीं, कहीं पे भी जाना है फ्रिज वगैरह जाने से पहले क्लीन करना है, क्योंकि वो जब बंद रहती है या फिर हाँ चालू रहेगी तो भी थोड़ा ठीक रहती है, लेकिन अगर हम बंद कर कर चले जाते हैं ना फ्रिज को, तो उसमें से तो ऐसी बास आती है ना, इसीलिए कभी भी फ्रिज को बंद ना करें। फ्रिज को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी, फ्रिज वगैरह क्लीन हो गई है। काम करने का हूँ तो वही उसका अहमद कहाँ है, वो चार बंगली चेक करके एक साइज का साइज में वो लगा रहा है। आओ मैं आता हूँ बाद में दिखा। मगरी बात बोल के 8 बजे बोल बोल के 8:30 तो घर से ही हो जाता निकल। ले ले सब चालू है, सब चालू हो जाएगा। 37 38 बोले ना। हाँ ये और एक मिनट 35 उधर की है, 35 की ऊपर की दो ऊपर है एक भी। रोएगी रोएगी। मैं यहाँ पे उसका ही प्रॉब्लम है मालूम, मेरे कल से नेट नहीं चल रहा, वहाँ वाईफाई चलाती थी एयरटेल। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग अपने वो क्या कहते हैं CST वाली जो बस आती है ना, उसमें बैठ गए और फिर वहाँ से नहीं, पहले ऑटो किए, ऑटो से फिर बस अड्डा पे आए, फिर वहाँ से किए CST वाली बस, उसमें बैठे, फिर वहाँ से सीधा गांव में आ गए हैं और ये रहा घर। आगे।